हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है हितेंद्र, आप देख रहे हैं ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। तो टाटा ने अपना एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है नेक्सॉन में, XM S। जी हाँ, इस वेरिएंट में अब हमें सनरूफ ऐड कर दिया गया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये सेकंड बेस मॉडल है, तो सेकंड बेस मॉडल में सनरूफ मिलना बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। पर यहाँ पे टाटा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किया ने लॉन्च किया है सोनेट। कुछ महीने पहले जब किया सेल्टॉस आई थी, तब उसने जो कमाल किया था, वो शायद किया सोनेट भी कर सकती है अपने सेगमेंट में। नई क्रेटा को जिस तरह किया सेल्टॉस ने सेल्स के मामले में पीछे किया था, वही ऐसा लग रहा है कि वो किया सोनेट भी कर सकती है। तो इसी वजह से टाटा ने सोचा कि हम ऐसे एक फीचर डाल दें जो इंडियंस को बहुत पसंद है, वो है सनरूफ। जी हाँ, सबसे बड़ा फीचर यहाँ पे सनरूफ टाटा ने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ चार और नए फीचर इसमें हमें और देखने को मिलते हैं। उसकी बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे सस्ती SUV, यहाँ पे कॉम्पैक्ट SUV हमें देखने को मिल जाती है सनरूफ के साथ। अभी जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, ये XM है। XM S अभी शोरूम्स में आई नहीं है, अगर जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आपको वेरियंट दिखा दूंगा कैसी है। और रही बात इसमें जो नए फीचर्स ऐड किए गए हुए हैं, तो पहला जो है वो है सनरूफ। सनरूफ हम इंडियंस को बहुत पसंद है, इसलिए टाटा को पता है कि सनरूफ डिसीजन मेकर बन सकता है नेक्सॉन के लिए इस सेगमेंट में, इस प्राइस में। इसलिए बहुत ही स्मार्ट मूव टाटा ने खेल दिया है सोनेट को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, बहुत ही अच्छा फीचर है। ऑटो हेडलैम्प, जैसे अंधेरा होगा अपने आप हेडलैम्प्स इसके ऑन हो जाएंगे। सेकेंड बेस मॉडल में ऐसा फीचर होना बहुत ही अच्छी बात है। रेन सेंसिंग वाइपर, यहाँ गाड़ी पे जैसे ही पानी गिरेगा वाइपर अपने आप चलने लगेगा। ये फीचर बारिश के वक्त सबसे ज़्यादा काम में आती है। और चौथा जो है स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स। पहले जो XM मॉडल आती थी उसमें स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स रहते थे, पर उसके बाद जो आई उसके बाद उसमें से स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हटा दिया गया। पर अब इस जो XM S मॉडल है, इस पे वापस से स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स ला दिए गए हैं। तो जो इसका जो प्राइस गैप है, जो XM आता है अभी इस वक्त BS6, वो आता है 7,84,500 एक्स शोरूम प्राइस। और इस पे अगर एड ऑन 52,000 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको XM S मिल जाता है मात्र 52,000 में। आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस में, मात्र 52,000 में, ये सबसे अच्छा वेरिएंट टाटा नेक्सॉन का निकल के आता है। पहले जो था XM था, तो अब XM S है। XM भी मिलेगा, XM S भी मिलेगा। कंपटीशन में देखा जाए तो सभी कॉम्पैक्ट SUV आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर सबके टॉप मॉडल में आपको मिल जाता है, और उनकी कीमत 10 लाख के पार आराम से चली जाती है। तो 10 लाख के अंदर अगर किसी गाड़ी में अब सनरूफ देखने को मिलता है, तो है टाटा नेक्सॉन XM प्लस। चाहे वो ब्रेजा हो, चाहे वो इको स्पोर्ट हो, चाहे वो हाल ही में आई किया सोनेट हो, हालांकि उसका प्राइस अभी रिवील नहीं हुआ है, चाहे होंडा की WRV जो अब तक प्राइस में आती थी सनरूफ के साथ, और अब टाटा नेक्सॉन बन चुकी है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि टाटा नेक्सॉन XM S लेनी चाहिए? आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।